हमारे सर है विलास पाटिल सर, जिनको देख के हमको एनर्जी आती है कि हम वर्कआउट कर पाए। सर कुछ टिप्स हमको भी देना बॉडी के लिए। अरे आपको क्या टिप्स देना, आप इतने सालों से एक्सरसाइज कर रहे हो, हमारे बहुत पुराने मेंबर ही है, तो इनको क्या टिप्स देना, इनको ऑलरेडी सब कुछ पता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल रोहित है स्टाइलिश व्लॉग में। तो जैसे कि आप लोग को मैं व्लॉग पे व्लॉग रोज डेली व्लॉग लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब से मेरे माइग्रेन का थोड़ा सा इश्यू कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग भी व्लॉग देखिए और मुझे लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब करते जाइए। तो चलिए आज का दिन देखते हैं कैसा होता है। तो स्टार्ट कर दिया हूं मैं, लेकिन अभी दिन कैसा होगा वो तो आप लोग को पूरा व्लॉग देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं आज का दिन क्या है। चारों जन का बाल काटना है, मास्क हटाओ जरा, एक एक को पहचानू मैं। ओ ये तो अपना मॉडल है, और दूसरा ये भी आ चुका है पहले, सब आ चुकी है। हाँ लेकिन चौथा कोई दिख नहीं रहा। अच्छा कोने में बैठा, कहाँ है भाई तू? ओ तो यहाँ पे, ओके ठीक है। तो चारों का हेयर कट करते हैं फटाफट। चलो एक जन इधर बैठ जाओ मेरे चेयर पे, इधर इधर वो वाले चेयर मिडल वाले पे, दो जन वेटिंग में रहो, ये होने के बाद बाकी के दो बैठ जाना, ठीक है। अगर वीडियो को देखना है तो मेरा चैनल है रोहित हेयर स्टाइलिश ब्लॉग, उस पर आप लोग दिख जाएंगे, ठीक है। कौन सा चैनल? हाँ याद हो गया सबको ना, ठीक है। उस पर जाके देखोगे तो आप लोग उस पर दिख जाओगे, ठीक है। फाइनली सब लोग का हेयर कट कम्प्लीट हो चुका है, तो देखो। हाँ तो भाई दिखाओ तुम्हारा हेयर कट जरा। हाँ ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट हेयर कट में, आप आ जाओ। हाँ अच्छा हुआ हेयर कट, जाइए नेक्स्ट हेयर कट में मिलेंगे। ओके एकदम परफेक्ट। तो व्लॉग को देख लेना आप लोग भी, ठीक है। चलो बाय। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं 3:30 और मेरा हेड बहुत ज़्यादा पेन होने लगा है माइग्रेन की वजह से। आज मॉर्निंग में मैं माइग्रेन का टेबलेट खाना ही भूल गया नाश्ते के बाद, तो बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है पूरा, ये हाफ पूरा हेड पेन कर रहा है। और एक स्मूथनिंग का अपॉइंटमेंट भी था तो उसको मैंने कैंसिल कर दिया, बोला कि थोड़ा बिजी हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि घर पर जाता हूँ और फिर खाना खा के टेबलेट लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ, क्योंकि जब तक सोऊँगा नहीं ना मेरा ये हेड पेन जाएगा नहीं। तो अभी एक फेशियल कर रहा हूँ, एक फेशियल क्लाइंट बैठा हुआ है, उसका कंप्लीट होने के बाद मैं सीधा घर पे जाने वाला हूँ। भूख भी लगी है और हेड बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है, पूरा यहाँ से लेके पूरा ये नेक पूरा पेन कर रहा है। तो जब तक मैं टैबलेट नहीं खाऊँगा मुझे लगता है आराम होने वाला नहीं है। आप लोग ये आँख भी देख सकते हो कि मेरा किस तरह से, देखो देख रहे हो किस तरह से एकदम छोटा छोटा हो गया ऐसा लग रहा है। एक आँख छोटी एक आँख बड़ी हो गई है, तो पेन कर रहा है। तो चलो फटाक से मेरे फेशियल का काम कंप्लीट करता हूँ और उसके बाद मैं निकलता हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी शाम के 7 बज चुके हैं और जस्ट मैं अभी सो के उठा हूँ और एकदम फ्रेश फील हो रहा है। जैसे कि आप लोगों में दिखाया कि आफ्टरनून में मेरा हेडेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी एकदम फ्रेश हो गया हूँ मैं सो के उठने के बाद। तो फटाफट से मैं चाय पीता हूँ और चाय पीने के बाद मैं शॉप पे जाना है और शॉप पे 2-3 क्लाइंट लोग वेट कर रहे हैं। तो चलिए चाय पीते हैं और उसके बाद में निकलते हैं शॉप पे। सुपर, बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है, इतना हेडेक हो रहा था ना आफ्टरनून में। खाना खाया, टैबलेट खाया और सीधा सो गया, अब बहुत ही फ्रेश फील हो रहा है। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं डैंड्रफ का ट्रीटमेंट। तो भाई को बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है और डैंड्रफ का बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, तो सोचा मैं आप लोग को भी इसके बारे में नॉलेज थोड़ा सा दे देता हूँ डैंड्रफ के लिए, कि कौन सा एम्प्यूल्स यूज़ करना चाहिए और किस तरह हमें उसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, क्योंकि हमें अभी उस एम्प्यूल्स को स्कैल्प में लगा के अच्छी तरीके से मसाज करना है, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्लव्स हम पहन ले हाथों में। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं लॉरियल का सीरीज एक्सपर्ट पावर डोज। तो ये आप लोग देख सकते हो,
सीरीज एक्सपर्ट का पावर डोज, इसमें का एक एम्प्यूल्स निकालते हैं। एक आदमी को एक ही एम्प्यूल्स यूज करना है, और एक ऐसा नहीं कि आधा यूज करना आधा आप बाद में, क्योंकि उसको एक बार ओपन करने के बाद में फिर इसको हवा लगेगा तो खराब हो जाएगा। तो आप लोग देखो, आप लोगों को किसी भी ब्यूटी सेंटर में मिल जाएगा। तो इसको हमें करना है कट। और स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को पूरे स्कैल्प में लगाना है। तो एम्प्यूल्स हम लोगों ने पूरा स्कैल्प पे लगा दिया है। अब हम करेंगे मसाज पूरे अच्छी तरीके से, इसीलिए मैंने पहना है ग्लव्स। पूरा प्रॉपर तरीके से मसाज करेंगे, जहाँ जहाँ डैंड्रफ है वहाँ वहाँ आप लोग को एकदम अच्छी तरीके से मसाज करना है फिंगर से। और से कम 5 से 10 मिनट या फिर 15 मिनट तक ही मसाज आप लोग कर सकते हो। जब इसको आप लोग मसाज करोगे ना, तो फिर 15 मिनट बाद ही अपने आप पूरा गायब हो जाएगा। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जब भी वाइट वाइट पूरा फेस दिख रहा है ना, ये पूरा फेसिंग चला जाएगा, पूरा फेस हट जाएगा। अगर आप लोग को और भी नॉलेज चाहिए एंटी डैंड्रफ से रिलेटेड, तो मेरा सेकेंड चैनल है रोहित हेयर कट ट्यूटोरियल, आप लोग उस पर जाइए। वहाँ पर हेयर स्पा पूरा प्रॉपर तरीके से पूरा प्रोसीजर बताया गया है। तो वहाँ पर जाकर आप लोग विजिट करिए, आप लोग को वहाँ पे बताया जाएगा कि किस तरह आप लोग को डैंड्रफ क्लियर करना है और किस तरह कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। इसमें एक दो प्रोडक्ट और यूज़ होते हैं जो मैंने अभी इसमें यूज़ नहीं किया है, आप लोग को वो चैनल में पता चलेगा। तो उस चैनल पे जाइए, आप लोग को पूरा प्रोसीजर एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोग को उसमें सिखाया है। तो रोहित हेयर कट ट्यूटोरियल याद से आप लोग उसमें जाकर विजिट कर लेना। सो गाइस, अभी हेयर स्पा कंप्लीट हुआ और अभी 10:15 बज चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग में जिम तो जा नहीं पाया मैं, तो चलो अभी जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरा जो माइग्रेन का टेबलेट चालू है, जिसकी वजह से मॉर्निंग में मैं उठ नहीं पाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है सुबह उठने के लिए, तो इवनिंग में अभी जिम जा रहा हूँ। घर पे आ गया हूँ और कपड़े चेंज कर दिया हूँ, और अभी बज रहे हैं 10। और प्री वर्कआउट के लिए मैंने लिया है ब्लैक टी लिया हूँ, ताकि थोड़ा सा एनर्जी बनी रहे जिम में। तो चलिए फटाफट ब्लैक टी ख़त्म करते हैं। और ब्लैक टी बनाई कि जार बनाई रे मम्मी? ब्लैक टी ऐसे ही रहता है। फिर क्या बोलने का, इतना कड़वा लग रहा है ना। अभी दूध उसमें नहीं पड़ा है, अदरक पड़ा है, चाय पत्ती पड़ी है। थोड़ा सा शक्कर ज्यादा डालना चाहिए था सच में। हल्की चाय पीना चाहिए, ज्यादा मीठा नहीं पीना चाहिए। जी हल्की चाय पीना चाहिए। वाह, टी खत्म हो गया ब्लैक टी, और अब निकलते हैं जिम के लिए। चलो तो अभी मैं जिम में आ चुका और मेरा वार्म अप अभी तक स्टार्ट हो गया है। और मैं आपको अपने सर से मिलाता हूँ। हमारे सर है विलास पाटिल सर, जिनको देख के हमको एनर्जी आती है कि हम वर्कआउट कर पाए। सर, कुछ टिप्स हमको भी देना बॉडी के लिए। अरे आपको क्या टिप्स देना, आप इतने सालों से एक्सरसाइज कर रहे हो, हमारे बहुत पुराने मेंबर ही है, तो इनको क्या टिप्स देना, इनको ऑलरेडी सब कुछ पता है। सर ऐसे बोलते हैं, लेकिन बहुत अच्छे सर है। जो भी कुछ अगर पता चाहिए, कुछ भी पूछना है तो जरूर बताते हैं हमको। सर आप एक बार जरा दिखा देना अपना। अरे अभी तो बहुत कम हो गया है, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी दिक्कत, लॉकडाउन की वजह से जिम भी बंद है, थोड़े सिम्टम आए तो 13 किलो वेट कम हो गया है। और मेरे डॉक्टर ने सब बोला था डाइट बंद, रेस्ट करो, नॉर्मली जो घर में बनता है वही खाओ, तो इसके लिए वेट कम हो गया अभी फिलहाल। तो अगर आप लोग कल्याण में ही रहते हो तो ये जिम में आ सकते हो। अपना जिम है गेट फिट हेल्थ क्लब, बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर सब जो भी यहाँ के टूल्स वगैरह बहुत ही ऑसम है, तो आओ और यहाँ पर बॉडी बनाओ। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जिम से अभी हम लोग बिल्डिंग में आ गए हैं, घर पे आ गया, थक गया, आज काफ़ी वर्कआउट किया, मज़ा आ गया। रास्ते पे मज़ा आया? हाँ बहुत मज़ा आया। तो जिम में आया था क्या? ओके गाइस, तो अभी खाना खा के जस्ट अभी फ्री हुआ, अभी वीडियो भी एडिट करना है
तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आप लोग के लिए नए नए व्लॉग लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।